में जाके तीर लगाए, इसलिए ये चिल्ला रहे, लेकिन चुप हो गए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नाजमिन खान। 1 जुलाई लोकसभा सदन के अंदर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दिया हुआ एक ऐसा बयान जो सुर्खियों में गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने जो कहा कि हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता, हिंदू धर्म हिंसा नहीं करता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का काम है हिंसा फैलाना। राहुल गांधी के दिए इस भाषण के बाद राहुल गांधी की कुछ क्लिप डिलीट कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं, और राहुल गांधी को लेकर ये आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू धर्म का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। सदन के अंदर पहले आप वो सुनिए जहां राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा। जैसे ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठ खड़े हुए और राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए नजर आए। क्या कुछ राहुल गांधी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर कहा, देखिए जरा। हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आप दो। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद कई ऐसी क्लिप हैं जो डिलीट कर दी गई, जैसे कि हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं आप, ये जब भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधते हुए राहुल गांधी नजर आए, ये क्लिप यहां से डिलीट कर दी गई। अग्निवीर योजना के तहत जब ये कहा गया कि अग्निवीर जो योजना है वो नहीं चाहते हैं युवक लागू होना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जानबूझकर ला रही है, ये क्लिप यहां से डिलीट की गई। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाती है, ये क्लिप भी यहां से डिलीट की गई, और इसके साथ साथ कई और क्लिप भी डिलीट की गई। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है, और सच को आप दबाने की कोशिश करेंगे मिटा नहीं सकते हैं। इसको लेकर क्या और कुछ यहां पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अरे बोल रहे हैं, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है, और एक्सपंज करें जितना करना है करें। राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी के हक में विपक्षी पार्टियों के कई चेहरे भी निकल कर सामने आए, और कई हक के साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी ने कोई भी अपमान यहाँ पर किसी भी धर्म का नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी तो हर धर्म की तस्वीर को दिखाते हुए ये नजर आ रहे थे, कहते हुए कि कोई भी धर्म हिंसा करवाना नहीं चाहता, कोई भी धर्म हिंसा फैलाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि भाईचारे के साथ रहा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति में धर्म को लाती है और धर्म के आड़ पर वोट बटोरने की कोशिश करती है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही 400 पार के नारे में घिर गई, और 400 पार तो दूर छोड़िए, 300 तक भी सिमटना उनके लिए मुश्किल हो गया। और इसी को लेकर क्या कुछ अब राहुल गांधी के हक में कहा जा रहा है वो भी देखिए। 10 साल से मैं सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं, मैं हिंदू जगाने निकला हूँ, हिंदू जाग चुका है। नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में जागा, और वाराणसी में आपके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। जैसे राहुल जी ने आज कहा, बच के निकले। अब आप झूठ नहीं बेच पाएंगे, अब आप अपनी छद्म राष्ट्रभक्ति और अपने छद्म हिंदुत्व के पीछे आप नहीं छुप पाएंगे। ये देश आपको छिपने नहीं देगा। सामने आइए, नीट पे जवाब दीजिए, सामने आइए, अग्निवीरों को जवाब दीजिए, सामने आइए, महिलाओं को जवाब दीजिए,
सामने आइए, किसानों को जवाब दीजिए, सामने आइए इस देश को जवाब दीजिए। दो तिहाई हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट दिया है, भूलिएगा मत। सेंसस तो आपने कराया नहीं, लेकिन 111 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, और आपको कितना वोट मिला आप जानते हैं। दो तिहाई हिंदुओं ने भी आपके खिलाफ वोट दिया, तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, वो हिंदू हैं। वो जानते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। जैसा राहुल जी ने कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे साथी से कि वो वीडियो दिखाइए, क्योंकि वो वीडियो, ये जो दो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आने वाली पीढ़ियां राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कहेंगी, क्योंकि ये वीडियो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि एक ऐसा नेता था, एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा विपक्ष था जिसने इन लोगों को, इन बौनों को, एक विशाल विचार को छोटा करने से रोका। राहुल गांधी इस बार दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, एक तो केरल की वायनाड लोकसभा सीट, दूसरी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट। दोनों ही सीट पर 6 लाख से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल राहुल गांधी ने की। अब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को तो बरकरार रखा, लेकिन वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ दिया। अब इस पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस पूरे माहौल में अगर राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है, तो उनकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े करते हुए उत्तर प्रदेश में एक याचिका भी दाखिल की गई। कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये कहा गया कि आखिरकार राहुल गांधी ने सांसद पद की सदस्यता कैसे ले ली, शपथ कैसे ले ली, आखिरकार क्या वो भारतीय है? ये सवाल भी खड़े होते हुए नजर आए, लेकिन हाई कोर्ट में ये मुद्दा दबा, लेकिन राहुल गांधी की आवाज संसद के अंदर दबती हुई नजर नहीं आई। अब ऐसे में राहुल गांधी के पक्ष और विपक्ष में कई चेहरे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के आधार पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी ने, क्या सदन के अंदर जो बयान दिया, क्या वो गलत है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 News। धन्यवाद।